बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी ने शिमला में दावा किया कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार प्रदेश में रिपीट होगी। जयराम सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बीजेपी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन काम किया है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज दयनीय है। अपराजिता सारंगी ने कहा कि सतत रणनीति बीजेपी की ताकत है और बीजेपी आपदा की अवसर में बदलना जानती है। अपराजिता सारंगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन 387 सीटों पर जमानत भी नहीं बचा पाई। 1984 में 82% सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई, लेकिन 2019 में 88 सीटों पर हार देखनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी और जयराम ठाकुर जी की सरकार केंद्र और राज्य में इतना साहस रखती है कि 4 वर्षों और 9 महीनों के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित है। इसके लिए बहुत साहस की जरूरत है। रिपोर्ट कार्ड लेकर आना बड़े साहस की बात होती है। हम अपने काम के बल पर, हम अपने प्रदर्शन के बल पर लोगों की आस्था जीतने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमें निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने कहा, पुनरावृत्ति करूंगी, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। बंधुगण, सतर्क रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। हम आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं, हम लोगों को साथ लेकर चलना जानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और हमारे लिए वसुधा ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। और महिला श्रम शक्ति भागीदारिता में मुझे लगता है हम सबको जानकर रखना होगा कि देश में हिमाचल प्रदेश अव्वल स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट। इस बात को हमें नजर में रखना होगा। कोरोना की बात हो या फिर हर दिन इस पहाड़ी प्रदेश में जिस तरह से गांव गांव में जाकर, शहरांचल में जाकर काम करना पड़ता है, हमारे जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार खड़ी है, उनके साथ सरकार खड़ी है। आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है, 4,500 रुपए से 9,000 रुपए कर दिए गए हैं, आप सबको ज्ञात है। जब ये सब बोल रही हूं तो अचानक याद पड़ा प्रियंका गांधी जी का वक्तव्य। उन्होंने कहा कि हम 1,500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का जब इलेक्शन हुआ था उस समय भी उन्होंने कहा था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ यह हम सबको ज्ञात है। 399 सीटों में जहां से कांग्रेस खड़ी हुई, 387 सीटों में जमानत जब्त हुई। और यह कब हुआ? लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के बाद लोगों ने इस नारे को स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस पर अपनी आस्था नहीं दिखाई।